नमस्कार दोस्तों, आज के इस वोकैब शो में हम लोग सीखेंगे 10 न्यू वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड इज ओवर अर्किंग। इसका मतलब है कोई चीज व्यापक है तो उसको हम कहते हैं ओवर अर्किंग, एंड मीनिंग इज कॉम्प्रिहेंसिव और ऑल इम्प्रेसिंग। मतलब उसका कोई चीज़ है, उसका उसकी पहुंच काफ़ी एरिया में, बड़े एरिया में, तो उसको हम कहते हैं ओवर आर्किंग। एंड सिनोनिम्स आर प्लेनेटरी एंड एंड अनदर वर्ड इज वर्ल्ड वाइड, एंड एंटोनिम्स आर कंपोनेंट एंड इंडिविजुअल। एग्जांपल सेंटेंस इज कंप्यूटर डाउन टाइम इज एन ओवर आर्किंग प्रॉब्लम इन ऑल डिपार्टमेंट। मतलब कंप्यूटर को जो काम नहीं कर रही है वो प्रॉब्लम पूरे सभी डिपार्टमेंट में बनी हुई है, तो इससे आप ओवर अर्चिंग शब्द याद रख सकते हैं। सेकेंड वर्ड इज इम्पेरियल। इसका मतलब होता है शाही। मीनिंग इज आर रिलेटिंग टू एन एम्पायर एंड द सिनोनिम्स आर रॉयल एंड मजेस्टिक एंड एंटोनिम्स आर कॉमन एंड प्रोबेबल। एंड एग्जाम्पल सेंटेंस इज द इम्पेरियल आर्मी सप्रेस्ड द रिबेलियन। इसका मतलब जो इम्पेरियल आर्मी है उसने जो उसके खिलाफ विद्रोह किए उन सभी लोगों को दबा दिया अपने पावर से, तो इससे आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं। थर्ड वर्ड इज ट्रूप्स। इसका मतलब होता है सैन्य दल, एंड सोल्जर्स आर आर्म्ड फोर्सेस एंड द सिनोनिम्स आर आर्मी एंड थ्रोन। एंटोनिम्स आर इंडिविजुअल एंड वन। एग्जांपल सेंटेंस इज ऑल ट्रूप्स विल बी विथड्रॉन बाय द एंड ऑफ द ईयर। मतलब जो सैन्य दल है उसको इस वर्ष के मतलब लास्ट में बॉर्डर से हटा लिया जाएगा, तो विथड्रॉन बाय द एंड ऑफ द ईयर, इससे आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं। फोर्थ वर्ड इज पेरीफेरी। इसका मतलब होता है परिधि, सरकमफेरेंस ऑफ समथिंग एरिया, एंड मीनिंग इज द आउटर लिमिट आर एज ऑफ एन एरिया और सब्जेक्ट। सिनोनिम्स आर एज एंड मार्जिन एंड एंटोनिम्स आर सेंटर एंड इनसाइड। एग्जांपल सेंटेंस इज द रिंग रोड रन्स अराउंड द पेरिफेरी ऑफ द सिटी सेंटर। तो मतलब रिंग रोड पूरे सिटी सेंटर के परिधि में पूरा तक उसका परिधि है, उसमें वो फैली हुई है। फिफ्थ वर्ड इज डिटूर। इसका मतलब होता है राउंड अबाउट, कोई चीज घूम बहुत इधर उधर घुमा हुआ है, डिविएट करती है तुम्हारे गोल से, चक्करदार है, तो उसको हम कहते हैं डिटूर। टेक अ लॉन्ग आर राउंड अबाउट रूट। सिनोनिम्स आर डेविएशन एंड डाइवर्जेंस एंड एंटोनिम्स आर एग्रीमेंट एंड नॉर्मलिटी। एग्जाम्पल सेंटेंस इज वी हैड टू डिटूर अराउंड डाउन टाउन सो इट टुक्स लॉन्गर देन यूजुअल। मतलब हमने शहर के केंद्र बिंदु की तरफ हमने यात्रा प्रारंभ की, लेकिन ये इतना हम मतलब चक्कर से घूम के आए कि हमें पहले से ये यूजुअल से हमें काफ़ी लॉन्गर रूट लगा, तो इससे आप याद रख सकते हैं। सिक्स्थ वर्ड इज पुअर। इसका मतलब होता है प्रेरणा देना, मोटिवेट करना, गिव एन इंसेंटिव आर इंकरेजमेंट एंड द सिनोनिम्स आर प्रोपेल एंड प्रॉम्प्ट, एंटोनिम्स आर डिस इंसेंटिव एंड डिसकरेजमेंट।
एग्जाम्पल सेंटेंस ही स्पोर्ड हिज हॉर्स ऑन द ऑन एंड साउटेड साउटेड फास्टर फास्टर फास्टर, मतलब उसने अपने घोड़े को इतना इतना मतलब प्रेरणा दी और चिल्लाया फास्टर फास्टर, मतलब जल्दी जल्दी वो मैं जाना चाहता था। ही स्पोर्ड हिज हॉर्स एंड साउटेड फास्टर फास्टर, इससे आप वर्ड याद रख सकते हैं। सेवेंथ वर्ड ही अमेनिटी, इसका मतलब होता है सुविधाएं, कन्वीनियंस, यूजफुल फीचर और फैसिलिटी ऑफ अ बिल्डिंग और प्लेस। तो सिनोनिम्स आर फैसिलिटी एंड कन्वीनियंस सुविधाएं, एंड एंटोनिम्स आर डिसएडवांटेज एंड लॉस। एग्जाम्पल सेंटेंस है द होटल्स रूम आर वेरी फंक्शनल, होटल के रूम वेरी फंक्शनल, मतलब काम चला चला हुआ है और चल रहे हैं। इनकॉर्पोरेटिंग ऑल द बेसिक अमेनिटीज बट नो मोर, मतलब होटल्स काम चला हुआ है लेकिन वो बेसिक सुविधाएं प्रदान करते हैं लेकिन उससे अधिक नहीं, इससे आप याद रख सकते हैं। एट्थ वर्ड इज मैनियल, इसका मतलब होता है सर्वेंट, लाइक रिलेटिंग टू सर्वेंट्स सेवा करना, एंड सिनोनिम्स आर लाइकी एंड सर्वेंट एंड एंटोनिम्स आर स्किल्ड एंड मोरल। एग्जाम्पल सेंटेंस इज इट इज मैनियल वर्क, ये मतलब एक सर्वेंट जैसा काम था, सच एज वॉशिंग डिशेस एंड क्लीनिंग फ्लोर्स, मैनुअल टास्क। डिपिक्ट, इसका मतलब होता है वर्णन करना इन पिक्चर पिक्टोरियल फॉर्म, सो समवन आर समथिंग इन पिक्चर पेंटिंग आर फोटोग्राफ, एंड सिनोनिम्स आर डिस्क्राइब एंड डिटेल, एंटोनिम्स आर हाइड एंड कंसील। एग्जाम्पल सेंटेंस इज दिस मूवी डिपिक्ट्स हिज फादर डिपिक्ट्स हिज फादर एज अ टिरेंट, मतलब इस मूवी में उसको उसके पिता को एक क्रूर या विलेन के रूप में उसको दिखाया गया, वर्णित किया गया है। 10th वर्ड इज ड्वेल, इसका मतलब होता है रहना, लिविंग लिविंग इन एट ए स्पेसिफाइड स्पेसिफाइड प्लेस। द सिनोनिम्स आर रिसाइड एंड लिव, एंटोनिम्स आर मूव एंड कंप्लीट। एग्जाम्पल सेंटेंस इज ही ड्वेल्ट इन न्यू दिल्ली फॉर 10 ईयर्स, मतलब वो दिल्ली में 10 सालों तक रहा था, तो इससे आप याद रखो।